रामनगरी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को विश्व में स्थापित करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 दिवसीय पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष 3 दिवसीय पर्व का आयोजन 5, 6 और 7 अप्रैल तक किया जाएगा। वहीं 84 कोसी परिक्रमा की परिधि के आसपास के कई धार्मिक स्थल की प्रदर्शनी की जाएगी, जिसके बाद विचार गोष्ठी, औपचारिक कार्यक्रमों के साथ लोक परंपरा और अवध की संस्कृति से जुड़े आयाम आयोजन में शामिल किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में संत महंत भी मौजूद रहेंगे। सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पहले की भांति इस वर्ष भी 5 से 7 अप्रैल को किया जाना है, जिसमें अयोध्या की संस्कृति, महत्व और आसपास के धार्मिक स्थल हैं, वो भगवान श्री राम से जुड़े हैं। और वहीं कहा कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ऐसे में पूरे देश के सभी लोग राम मंदिर के मॉडल को जानते हैं। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को यहां रुकने और अयोध्या के प्रमुख स्थानों के दर्शन कर सके, उन स्थानों का सुंदरीकरण भी किया जा सके, उस दृष्टि से वे सभी लोग प्रयास कर रही हैं। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 5, 6, 7 अप्रैल को अयोध्या जो है पर्व के नाम पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या की सभ्यता और अयोध्या के आसपास जितने पौराणिक धार्मिक स्थल है जो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हैं और ऋषि मुनियों की तपोस्थली है, उन सबको प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे देश को हम बताना चाहते हैं। भविष्य में उनका विकास हो और पूरा देश उस पर आकर के घूमे, उनका दर्शन करे, देखे और जो है संस्कार प्राप्त करे, इस दृष्टि से हम सारे लोग यह कार्यक्रम करते हैं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसका मॉडल तो पूरे देश में सब जानते हैं। बता दें कि धार्मिक स्थलों के आसपास बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकेंगे या दर्शन करेंगे, इसके लिए आसपास के इलाकों का विकास कराया जा रहा है, इसलिए प्रयास है कि उन सभी स्थानों को विकसित किया जाए।